Hi, this is Tejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel, or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you guys are doing really, really great. And in this particular class, we are going to revise essay number 800, that is special audit consideration in case of special purpose financial statement. We are going to cover each and every concept and hardly is revision ko karne mein 20-25 मिनट लगने चाहिए, ठीक है। आई एम गोइंग टू यूज दीज चार्ट्स, तो यहाँ से मैं रिवाइज कराने वाली हूँ आपको एसे नंबर 800। ये आपके आधे से कम पेज के अंदर पूरा स्टैंडर्ड कवर्ड है। आपको कोई भी मटेरियल ठीक लगता है आप उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर हर एक कंसेप्ट कवर होगा। अब तीनों स्टैंडर्ड मुझे रिवाइज करवाने चैप्टर नंबर 8 के, इसके साथ साथ जो एसएम के क्वेश्चंस हैं उसकी भी क्लास अवेलेबल होगी चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चंस की। तो आप इन तीनों स्टैंडर्ड की रिवीजन देखो एंड उन क्वेश्चंस को अगर आप कवर करते हो, यू विल बी डन विद योर चैप्टर नंबर 8। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, एसे नंबर 800, इट टॉक्स अबाउट स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इस स्टैंडर्ड के नाम को आप ऐसे भी बोल सकते हो, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इन केस ऑफ ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस चैप्टर के अंदर तीन स्टैंडर्ड है, दैट इज एसे नंबर 800, एसे नंबर 805 एंड एसे नंबर 810। इन तीनों ही स्टैंडर्ड के नाम के सामने स्पेशल कंसिडरेशन लिखा हुआ है। ये जो वर्ड है ना स्पेशल कंसिडरेशन, इसकी रेलिवेंस है। रेलिवेंस क्या है कि इन तीन स्टैंडर्ड के अंदर तीन डिफरेंट सिचुएशंस कवर्ड है, तीन डिफरेंट सिनेरियोस कवर्ड है जिसमें आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एसे नंबर 800 की बात करूं तो ऑडिट कर रहा है यहां पे ऑडिटर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। 805 की बात करूं तो ऑडिटर यहां पे ऑडिट कर रहा है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। 810 की बात करूं तो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है। तो ये जो तीन सिनेरियोस में इन तीन स्टैंडर्ड के अंदर ऑडिटर ऑडिट कर रहा है ना, ऑडिटर को कुछ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन लेनी है। और ये स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन है क्या, ये लिखी हुई है आपके 800, 805 एंड 810 के अंदर। मैम, ये स्पेशल कंसिडरेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जब इन तीन डिफरेंट सिचुएशन के अंदर ऑडिट करेगा तो जो उसकी नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करते हुए ऑडिट करनी है, जो हमने पढ़ी है फ्रॉम सीरीज 200 टू सीरीज 700, उनके अकॉर्डिंग ही उसको ऑडिट करनी है। बट उन रिक्वायरमेंट को जब वो अप्लाई करेगा इन दीज थ्री सिचुएशन, उसको कुछ स्पेशल कंसिडरेशंस लेनी है और वो कंसिडरेशंस इन स्टैंडर्ड्स के अंदर लिखी हुई है। समझ में आ गया? अब एसे नंबर 800, ये किसकी बात कर रहा है? स्पेशल कंसिडरेशन क्या लेगा ऑडिटर जब वो ऑडिट करेगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती क्या है? तो एसे नंबर 800 कहता है ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको बनाया जा रहा है एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। दूसरा क्वेश्चन, मैम ये फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? तो ये एसे नंबर 800 बताता है क्या कि एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो मीट करता है, जो केटर करता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। मैम ये स्पेसिफिक यूजर्स क्या होते हैं? ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस। मैम एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड है और एक है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को लोन चाहिए वाई लिमिटेड से, तो वो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के पास जाते हैं, कहती है कि मुझे लोन दे दो। वाई लिमिटेड कहती है लोन मैं तुझे दे दूंगी लेकिन तू मुझे अपने फाइनेंशियल्स बना के दे दे। और वाई लिमिटेड बता रही है एक्स लिमिटेड को कि उसको किस बेसिस को फॉलो करते हुए अपने फाइनेंशियल्स बनाने हैं। तो यहां पे एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड ने बेस किस बेसिस पे फाइनेंशियल्स बनेंगे उसको अग्री किया है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजंस है ना, ये बन जाएगा आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, और एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड बन जाएंगे आपके स्पेसिफिक यूजर्स। समझ में आ गया? तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? सबसे पहले आपका यही कंसेप्ट आ रहा है एसे नंबर 800 का। तो कहता है एक ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क विच इज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्पेसिफिक यूजर्स। और ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क भी हो सकता है और कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है, राइट? मैम आप कोई एग्जाम्पल दे सकते हो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के? एक एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें दिया। आपके एसे नंबर 800 के अंदर तीन एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और आपको इन तीनों एग्जाम्पल्स को लर्न करना है, क्योंकि एसएम के अंदर क्वेश्चन है।
सबसे पहले एग्जांपल क्या है जो एसए नंबर 800 ने लिखा है, कहता है कि आपके क्रेडिटर्स कंपनी को रिक्वेस्ट करें कि आप ना हमें कैश फ्लो इंफॉर्मेशन बना के दे दो, और क्रेडिटर्स बता रहे हैं कि किस बेसिस पे ये कैश फ्लो इंफॉर्मेशन बननी चाहिए, तो कहते हैं कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस पे। तो यहां पे जो ये अकाउंटिंग का बेसिस फॉलो कर रही है आपकी मैनेजमेंट फॉर मेकिंग द कैश फ्लो इंफॉर्मेशन, दैट इज कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट बेसिस, ये बन जाएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और क्रेडिटर्स बन जाएंगे आपके स्पेसिफिक यूजर्स। मैम दूसरा एग्जाम्पल, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस विच आर एस्टेब्लिश्ड बाय अ रेगुलेटर। मैम जैसे कि सेबी कहते हैं कि जो भी कंपनीज ना स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है उन कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग करनी है मेरे पास, लेकिन किस फॉर्मेट के अंदर वो फाइलिंग करेगी वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट रेगुलेटर, दैट इज सेबी, जो मैंने एग्जांपल दिया, ये भी क्या बन जाएगा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, हमारे एग्जांपल के अंदर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड का कॉन्ट्रैक्ट, सच एज बॉन्ड का एग्रीमेंट, लोन का एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट ग्रांट, ये भी क्या बन जाएगा आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो ये तीन आपके एग्जांपल्स है ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब आता है आपका पहला कंसेप्ट, और ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कहता है कि कोई भी आपके पास आता है, ऑडिटर के पास आता है और कहता है कि मेरी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दो, क्या ऑडिटर को एकदम से उस ऑडिट को एक्सेप्ट कर लेना है या उसको एक्सेप्टेंस देने से पहले, हाँ बोलने से पहले कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऐसे नंबर 800 कहता है कि जब भी आपके पास कोई आ रहा है ना और वो कहता है कि आप मेरी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर दो, तो उसकी ऑडिट की एक्सेप्टेंस देने से पहले ऑडिटर सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके आपके इस प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ने अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, राइट। मैम एक्सेप्टेबल कब बोला जाएगा, ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, वो समझेगा कि जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड क्या है। तो कहता है कि इन द केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ दी स्पेसिफिक यूजर्स, दैट मींस जो आपके इंटेंडेड यूजर्स हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ये उनकी नीड्स क्या है, इट इज अ की फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो सबसे पहले क्लाइंट को हाँ बोलने से पहले ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है, राइट। इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड इसी कंसेप्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज भी हैं। सबसे पहला सिनेरियो क्या है, कहता है कि मान लो आपकी मैनेजमेंट जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करके अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, अगर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब किया है किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने। मैम ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जैसे कि AASB, राइट। AASB इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ये प्रिस्क्राइब करता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ऐसे ही आपके AS इंडेक्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए भी अकाउंटिंग बोर्ड बने हुए हैं। तो जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को प्रिस्क्राइब किया है, बनाया है किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, और आपकी मैनेजमेंट इसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करिए अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल तब बोला जाएगा कब, अगर ये स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस का फॉलो करती है, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस को फॉलो करती है, और जो उसके स्टेक होल्डर्स हैं ना उनके इंटरेस्ट को ये कंसिडर करती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को ये कंसिडर करती है। तो कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या आ सकता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आ सकते हैं विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय अ स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। इन दैट केस जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने इन्हीं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को यूज करके अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है, जिसको सेट किया है किसी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, इसको आप एक्सेप्टेबल तब बोलोगे अगर ये सेटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करिए एक ट्रांसपेरेंट एंड एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस, एंड जब वो अपने स्टैंडर्ड को सेट करती है तो वो कंसिडर करती है व्यूज ऑफ रेलिवेंट स्टेक होल्डर, ओके। और क्या आपकी यहां पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन कवर्ड है, कई बार ऐसा होता है कि लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं आपके
फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को, लॉज एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, वो क्या था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ एनी रेगुलेटर। जैसे सेबी कह रहा है कि मेरी कंपनी, जो भी मेरी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग करेंगी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर। तो जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको यूज करके आपकी एंटिटी अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, उसको प्रिस्क्राइब किया है किसी लॉ, किसी रेगुलेशन ने, किसी रेगुलेटर ने, तो जनरली वो एक्सेप्टेबल माना जाता है, अनलेस कोई आपके कॉन्ट्ररी एविडेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। यही लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। और क्या स्पेसिफिक सिनेरियो है? कई बार ये ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, जिसको यूज करे तुम्हारी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए, एंड उसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के रिलेशन में कुछ लॉज एंड रेगुलेशन भी बोलते हैं, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन भी कुछ कह रहे हैं और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी कोई रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे कंसेप्ट क्या है कि ऑडिटर जब ये डिटरमाइन करेगा कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा कि क्या लॉज एंड रेगुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है एंड जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, क्या दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोल रहे वही आपके लॉज एंड रेगुलेशन बोल रहे, तब तो सब कुछ सही है, राइट। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, इन दैट सिचुएशन यहां पे एससी नंबर 800 में क्या लिखा है कि जो एससी नंबर 210 प्रिस्क्राइब करता है कि ऑडिटर का अब फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, वो उसको यहां पे फॉलो करना है। और एससी नंबर 210 में तुम जाके देख सकते हो उसने क्या प्रिस्क्राइब किया है। वो कहता है कि देखो, अगर लॉज एंड रेगुलेशन कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट लगाते हैं तो ऑडिटर ये पहले कंसिडर करेगा कि क्या इन एडिशनल रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सकता है थ्रू द एडिशनल डिस्क्लोजर। अगर एडिशनल डिस्क्लोजर दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंड दीज एडिशनल रिक्वायरमेंट विच आर सेट बाय द लॉज एंड रेगुलेशन, और ये रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में नहीं है, तो आप इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल कह सकते हो। या फिर अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट को आप एडिशनल डिस्क्लोजर देके मीट नहीं कर सकते, तो यहां पे ऑडिटर के पास एक और अल्टरनेटिव होता है, वो ये कंसीडर करेगा कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को आप मॉडिफाई कर सकते हो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ये पॉसिबल है तो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल माना जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है तो फिर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल नहीं होता एंड आपके ऑडिटर को इस टाइप की एंगेजमेंट को एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है व्हेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन दैट केस एससी नंबर 210 कहता है कि ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, एंड अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसको प्रिस्क्राइब एक्शन लेना पड़ेगा। वो प्रिस्क्राइब एक्शन है, वो दो चीजों को वो कंसिडर करेगा। अगर वो प्रिस्क्राइब एक्शन से उसको लगता है कि आप डिस्क्लोजर दे सकते हो, पॉसिबल है, आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की डिस्क्रिप्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मॉडिफाई कर सकते हो, वो पॉसिबल है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, अदरवाइज उसको एक्सेप्टेंस नहीं देनी चाहिए, राइट। फिर आता है एक और स्पेसिफिक सिनेरियो, वो क्या है? देखो, अभी हमने देखा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस भी आती है विच आर कमिंग बिकॉज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इनको आप क्या बोलते हो? इनको आप बोलते हो नॉन स्टैंडर्ड सोर्सेस, मतलब ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस जो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है या किसी और वे से आ रही है विच आर नॉट डिस्क्राइब्ड इन दीज पैराग्राफ जो हमने डिस्कस किया है। तो आप वहां पे उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस को, उन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को एक्सेप्टेबल कैसे मानोगे? तो यहां पे कहता है कि वेयर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसने प्रिस्क्राइब किया है? किसी कॉन्ट्रैक्ट ने, और एनी अदर सोर्स विच आर डिस्क्राइब्ड, और एनी अदर सोर्स अदर देन विच आर डिस्क्राइब्ड इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स जो हमने अभी भी पढ़े, इन दैट केस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को जब तुम एक्सेप्टेबिलिटी उसकी चेक करोगे, उसको तुम एक्सेप्टेबल तब मानोगे जब वो फ्रेमवर्क उन करेक्टरिस्टिक्स को, उन एट्रीब्यूट्स को एग्जिबिट करता है जो नॉर्मली कोई एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एग्जिबिट करता है।
और वो नॉर्मली मतलब क्या, आप जो प्रीसीडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की, जो हमने डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज डिस्कस करे, उसको आप यूज करोगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप डिटरमाइन करोगे कि क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको यूज करके आपके इस क्लाइंट ने अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं। मान लेते एक्सेप्टेबल है, सब कुछ सही है, आपने एक्सेप्टेंस दे दी, उसके बाद क्या, उसके बाद अब आपको प्लानिंग करनी है और परफॉर्मेंस करनी है। तो सेकेंड पॉइंट क्या आ रहा है, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस जब आप करोगे इस एंगेजमेंट की तब किन कंसिडरेशन को ऑडिटर लेगा। तो सबसे पहले एसए नंबर 200 की रिक्वायरमेंट जो हम पढ़ते हैं, क्या एसए नंबर 200 कहता है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट को करेगा एज पर एथिकल प्रिंसिपल्स बाय कंप्लाइंग विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इसके साथ साथ ऐसे दोस्तों में यह भी लिखा हुआ है कि ऑडिटर को जितने भी स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं उन स्टैंडर्ड की हर एक रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, अनलेस वो जो रिक्वायरमेंट उस स्टैंडर्ड के अंदर लिखी हुई है वो रिक्वायरमेंट आपकी गिवन सर्कमस्टांस में गिवन एंगेजमेंट में अप्लाई नहीं होती है। राइट, मतलब वो रिक्वायरमेंट क्या है, वो स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कंडीशनल है और वो कंडीशन आपकी एंगेजमेंट में एग्जिस्ट नहीं करती है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें एक और पॉइंट है क्या कि कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर को डिपार्ट करना पड़ता है, डेविएट करना पड़ता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड। तो एसए नंबर 200 में हम इस चीज को पढ़ते हैं कि जब ऑडिटर डिपार्ट करता है फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, इन दैट सिचुएशन ऑडिटर को परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ताकि जो ऑब्जेक्टिव स्टेटेड है इन दैट रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड उसको मीट किया जा सके, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। मैं फटाफट पढ़ देती हूँ क्योंकि ये रिविजन है, लेकिन आप रिकंसाइल कर सको इसको ताकि, ठीक है। तो कहता है कि ऐसे नंबर 200 रिक्वायर्स कि ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा विद द एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एंड जो भी आपकी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है उनके साथ। एंड स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या कहती है कि ऑडिटर को हर एक स्टैंडर्ड की हर एक रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करना है, अनलेस या तो सारा का सारा ऐसे ही रेलिवेंट नहीं है या उस ऐसे की कोई एक रिक्वायरमेंट आपकी रेलिवेंट नहीं क्योंकि वो स्टैंडर्ड कंडीशनल है और वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। एंड आगे कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है ऑडिटर में जज इट नेसेसरी टू डिपार्ट फ्रॉम द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट इन दैट स्टैंडर्ड, तो ऑडिटर को वहां पे क्या परफॉर्म करने पड़ते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, ताकि वो अचीव कर सके एम ऑफ दैट रिक्वायरमेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट स्टैंडर्ड। समझ में आया? आगे कहता है, अब देखो हम पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। राइट, कि जब ऑडिटर ऑडिट करेगा स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो उसको किन स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक स्टैंडर्ड कौन कौन से मेंशन है, एक है आपका एसए नंबर 320 की रिक्वायरमेंट, एक यहाँ पे मेंशन है एसए नंबर 260 की रिक्वायरमेंट और एक यहाँ पे लिखी हुई है 700 की रिक्वायरमेंट। तो एसए नंबर 320 किससे डील करता है, मटेरियलिटी से। क्या चीज मटेरियल है, हमने इस चीज को कहां पे पढ़ा था, एसए नंबर 320 के अंदर, कि हम किसे मटेरियल बोलेंगे ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है एंड ऑडिटर इस डिसीजन को लेता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कि जो उसके यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के उनकी कॉमन नीड्स क्या हैं। अब यहां पे कॉमन यूजर्स तो है नहीं तुम्हारे, यहां पे कौन है, स्पेसिफिक यूजर्स। तो ऑडिटर जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा तो वो देखेगा कि ये जो मेरे इंटेंडेड यूजर्स हैं, ये जो मेरे स्पेसिफिक यूजर्स हैं, इनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है। फिर इसके अंदर एक स्पेशल सिचुएशन कवर्ड है, क्या, कि जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ रहा है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन प्रिस्क्राइब कौन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एग्जांपल लिया, इन दैट सिचुएशन ऐसा हो सकता है ना, कैसा, कि X Limited और Y Limited दोनों मिलके डिसाइड करें कि जब ये ऑडिटर ऑडिट करेगा ना स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एंड ऑडिट के दौरान अगर 1,00,000 तक गलतियां मिली तो हम उसको इग्नोर करेंगे, हम उसकी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये आगे पॉइंट कहते हैं कि ठीक है, जहां पे जो तुम्हारी यूजर्स हैं, जो इंटेंडेड पार्टीज हैं, वो अग्री करें किसी थ्रेशोल्ड को, लेकिन आपका ऑडिटर को मटेरियलिटी लेवल को सेट करना ही पड़ेगा एज पर एसए नंबर 320। मतलब इस थ्रेशोल्ड से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मटेरियलिटी लेवल को सेट करके अपनी ऑडिट करने की, वो कम नहीं हो जाएगी, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले कॉमन पॉइंट है कि ऑडिटर क्या चीज मटेरियल है इस जजमेंट को लेता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसिडरेशन कि कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है यूजर्स की। राइट, लेकिन यहां पे आप ऑडिट कर रहे हो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो ये जो जजमेंट ऑडिटर लेगा यहां पे ऑडिटर कंसीडर करेगा कि जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं, इंटेंडेड यूजर्स हैं इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनकी नीड्स क्या हैं। फिर इसके बाद यही एक स्पेसिफिक सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया और यहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्या, कि अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो एज पर दी
रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अग्री कर सकती है, हमारे केस में एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड अग्री कर सकती है कि जो इंटेंडेड यूजर्स हैं विद द इंटेंडेड यूजर्स. अच्छा सी मैंने क्या बोला, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, इसमें से एक यूजर था और एक आपकी मैनेजमेंट थी बनाने वाली, राइट. तो जो लोन लोन लेने जा रही थी एक्स लिमिटेड वो क्या थी, मैनेजमेंट, और वाई लिमिटेड जो यूज करने वाली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को. तो आपकी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के साथ अग्री कर सकती है ना कि अगर एक लाख तक की गलतियां मिली एक थ्रेश होल्ड को, हमें उसकी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो कहते हैं दोज विल नॉट बी करेक्टेड. तो आगे स्टैंडर्ड ने बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि भले ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में कहीं पर अग्री हुआ है आपके इंटेंडेड यूजर और इस मैनेजमेंट के बीच में, लेकिन इट डज नॉट रिलीव द ऑडिटर. इससे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती कि उसको जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कंप्लाई करना है मटेरियलिटी की रिक्वायरमेंट के साथ, उसको डिटरमाइन करनी है मटेरियलिटी सो दैट ही कैन परफॉर्म दी ऑडिट ऑफ दिस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो उसको उस मटेरियलिटी लेवल को सेट करना ही पड़ेगा, ठीक है. तो एक और स्टैंडर्ड की यहां पे रेफरेंस है, वो क्या है, एसए नंबर 260 में होता है कि आप कम्युनिकेशन करते हो टीसीडब्ल्यूजी के साथ. हमने इस चीज को वहां पे भी अंडरस्टैंड किया था कि ऑडिटर जब कम्युनिकेशन करता है टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो सबसे पहले उसको डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन लोग हैं जो टीसीडब्ल्यूजी में इन्वॉल्व है, राइट. तो यहां पे ऐसा हो सकता है क्या कि जो लोग आपकी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, बना नहीं रहे क्योंकि बनाने वाली तो मैनेजमेंट होगी, यहाँ पे बात हो रही टीसीडब्ल्यूजी की. टीसीडब्ल्यूजी का एक फंक्शन होता है, इसको समझो पहले. टीसीडब्ल्यूजी का एक फंक्शन होता है कि टीसीडब्ल्यूजी को ओवरसाइट करनी पड़ती है आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को, राइट. तो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करने की, कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करने की, एंटिटी की जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको ओवरसाइट करने की, हो सकता है ये लोग अलग हो उन लोगों से जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस को ओवरसाइट करने की फॉर दिस स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब TCWG for special purpose financial statement may be different and TCWG for general purpose financial statement may be different. अगर ऐसा है तो ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना है कि उसको किसको कम्युनिकेट करना है. तो कहते हैं देखो सबसे पहले एसए नंबर 260 की इसने बात करी है कि इट रिक्वायर्स ऑडिटर को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि वो एप्रोप्रिएट पर्संस कौन से हैं विद इन द एंटिटी इन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिसके साथ उसको कम्युनिकेट करना है. फिर इसने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखी है क्या कि जहां पे एंटिटी का जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी बना रही है, ऐसा हो सकता है ना दोज पर्संस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट and preparations of the special purpose financial statement may not be the same as TCWG which is responsible for the oversight of preparations of those general purpose financial statement. मतलब TCWG for special purpose financial statement may be different for TCWG for general purpose financial statement. अगर ऐसा है फिर ऑडिटर को ध्यान से कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी वहां पे. फिर आगे कहता है कि ऑडिटर जब अपनी ऑडिट करने के बाद रिपोर्ट बनाएगा तो उसको एसए नंबर 700 के साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट. अब आप मुझे बताओ जब आपने ऑडिट कर ली उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, उसके बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को बनाएगा. रिपोर्ट कैसे बनानी आपने अभी देखी, एज पर एसए नंबर 700 उसको बनानी है. उसके फॉर्म एंड कंटेंट क्या होंगे ये आपका, ये आता है थर्ड जो टॉपिक है, मतलब फॉर्म एंड कंटेंट क्या होंगे रिपोर्ट के, राइट. तो सबसे पहले इसने क्या बोला, 700 की इसने कॉमन सी बात लिखी है कि ऑडिटर रिक्वायर 700 रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि ऑडिटर को इवेलुएट करना पड़ता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली रेफर कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है आपकी एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को. ऑडिटर का ऑडिट करने का ऑब्जेक्टिव होता है क्या, ये देखना कि क्या आपकी एंटिटी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जहां पे अब यहां पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन लिखी हुई है जहां पे ऑडिटर ऑडिट कर रहा है स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एंड यहां पे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन किसने डिफाइन की हुई है, कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आ रही है, राइट. मतलब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है यहां पे, कॉन्ट्रैक्ट है. इन दैट सिचुएशन ऑडिटर इवेलुएट करता है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडुकेटली डिस्क्राइब करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ the any significant interpretations of the contract which is entered between the management and the specific users, right. तो ये आपका यहां पे
रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। एज सच अगर मैं फॉर्म एंड कंटेंट की बात करूं तो जो भी आपके 700 के एलिमेंट्स हैं वही यहाँ पे इस रिपोर्टिंग में यूज होंगे, लेकिन कुछ स्पेशल कंसिडरेशन हैं जो ऑडिटर को देनी पड़ेगी जब वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट बनाएगा तो वो डिस्क्राइब करेगा कि किस पर्पज़ के लिए ये स्पेशल पर्पज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है और इसके इंटेंडेड यूजर्स क्या है। अगर वो अपनी रिपोर्ट में नहीं बता रहा है पर्पज़ क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, तो वो एक रेफरेंस दे सकता है कि आपकी मैनेजमेंट ने अपनी स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर किस नोट्स टू अकाउंट में बताया है कि कौन इसके यूजर्स है, उसकी पर्पस क्या है। तो कहता है और ही में रेफर टू अ नोट इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन दैट इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ अगर मैनेजमेंट की चॉइस है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को चूज करेगा, ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर मैनेजमेंट की चॉइस है तो इन दैट सिचुएशन ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर इसको अपनी रिपोर्ट में बताएगा। एंड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ऑडिटर को भी डिटरमाइन करना पड़ता है कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसको मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी रिपोर्ट में बताएगा। तो कहते हैं इफ मैनेजमेंट हैज द चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट के अंदर वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक्सप्लेनेशन देगा एंड वो अपनी रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा। राइट, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा कि मैनेजमेंट ने ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसको डिटरमाइन करना है कि क्या ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। राइट, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है इस स्टैंडर्ड का, और ये बहुत ही आप कह सकते हो ईजी टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपका एसएम के अंदर। और ये क्या है, देखो आपकी स्पेशल पर्पज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जा रही है स्पेसिफिक यूजर्स के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि जो लोग, जिन लोगों के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई जा रही एंड जो ऑडिटर की रिपोर्ट है ऑन दीज स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो लोग भी इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर ले। राइट, सो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऑडिटर क्या कर सकता है, ऑडिटर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच स्पेशल ऑन सच ऑडिट रिपोर्ट ऑन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है ऑन द यूज ऑफ सच ऑडिट रिपोर्ट। राइट, अगर लॉ एंड रेगुलेशन उसको प्रोहिबिट नहीं करते, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर भी वो एक पैराग्राफ डाल सकता है और वो कम्युनिकेट कर सकता है, फॉर एग्जांपल कि हमने ये जो कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन बनाई, ये एग्जांपल है, अगर ये जो कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन बनाई गई है इसको हमने बनाया है फॉलोइंग द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड डिसबर्समेंट एंड इनके जो स्पेसिफिक यूजर्स हैं वो कौन है, सिर्फ क्रेडिटर्स हैं। ऐसे ही वो एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड के केस में वो रिपोर्ट के अंदर पैराग्राफ डाल देगा कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड के अलावा कोई भी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है ऑडिटर अलर्ट करेगा यूजर्स ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट को क्या दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एंड देयरफॉर ये किसी और पर्पस के लिए सूटेबल नहीं होंगी। दिस मे बी अचीव्ड, ऑडिटर कैसे अचीव करेगा इस चीज को, मतलब कैसे इंश्योर करेगा इस चीज को कि जो यूजर्स नहीं हैं आपके इन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज ना करें। ऑडिटर मे अचीव दिस बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट और बाय रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ इंक्लूड कर देगा और उसकी हेडिंग को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देगा। इसके रिलेशन में एसएम के अंदर एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप उस क्वेश्चन को जब कवर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि हेडिंग कैसे मॉडिफाई होगी। राइट, सो दिस वाज योर एसए नंबर 800, बहुत ही छोटा सा सिंपल सा इजी सा ये स्टैंडर्ड था। इस स्टैंडर्ड के भी क्वेश्चन है जो एसएम के क्वेश्चन है, आप एक बार कवर करोगे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर होगी। स्टैंडर्ड में मुश्किल कुछ भी नहीं है। आई वुड लाइक टू बिलीव कि आपको ये रिविजन अच्छी लगी। मैंने कोशिश करी कि बिना टाइम को वेस्ट करें जितना क्विक हो सकता है सारे कंसेप्ट्स को हम कवर करें, और आधा पेज भी नहीं है इस चार्ट का जिसमें पूरा स्टैंडर्ड के हर एक कंसेप्ट कवर्ड है। और ट्रस्ट में, आई एम सेइंग दिस, सिर्फ वर्ड्स नहीं है, पूरा आपका कंसेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय।